तो मनु महाराज की पांच संतानें, तीन बेटियां, दो पुत्र, आकृति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज मनु के दो पुत्र हुए हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के विषय में भागवत जी कहती हैं कि प्रियव्रत के जीवन का प्रियव्रत था भगवान नाम का भजन करना। प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा आप सब जानते हैं। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी है, सुरुचि छोटी रानी है। और राजा का जो प्रेम है वो छोटी रानी से अधिक है। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम, ध्रुव और उत्तम। सुनीति का मतलब है, सु मतलब सुंदर, नीति मतलब ज्ञान। जिसके पास सुंदर ज्ञान है वो सुनीति। सुरुचि जो सुंदर तो है लेकिन जिसकी प्रतिदिन एक नई रुचि है, नई इच्छा है, वो सुरुचि। एक बार की बात है, उत्तानपाद अपनी सिंहासन पर बैठे थे, कहीं से ध्रुव खेलते खेलते आए और आके पिता की गोद में बैठ गए। बच्चों का एक सामान्य स्वभाव होता है, खेल के कहीं से भी आए या तो माँ की गोद चाहिए या पिता की। तो खेलते खेलते ध्रुव आए और आकर के पिता की गोद में बैठ गए। दूर खड़ी सौतेली माँ ने, मतलब सुरुचि ने जब देखा तो पहले तो लगा उसको कि शायद ये मेरा बालक है, पर जब ध्यान से देखा, अरे ये मेरा बालक नहीं है, ये तो उस दुष्ट सुनीति का बालक है। तुरंत पास में आई और पास में आकर के सुरुचि ने राजा की गोद से ध्रुव को उठाया और उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। अब ध्रुव छोटे से बालक, 5 वर्ष लगभग उम्र है। ध्रुव को लगा कि शायद मेरी माँ मुझे गोद में ले रही थी, मैं माँ के हाथ से गिर गया, इसलिए ध्रुव ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और ध्रुव कह रहे हैं मानो माँ गोद में ले लो। लेकिन सुरुचि ने ध्रुव के दोनों हाथों को पकड़ा और बांध करके कहा कि यदि तुझे पिता की गोद में बैठना है तो जा जंगल में जाकर के तपस्या कर, जंगल में जाकर के तपस्या करो और भगवान से वरदान प्राप्त कर कि मुझे पिता की गोद में बैठना है, और यदि तपस्या नहीं कर सकता तो मर जा, मर करके फिर से मेरी कोख से जन्म ले, तब तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बन पाएगा। ध्रुव ने पूछा, माँ क्या राजा मेरे पिता नहीं है? सुरुचि ने कहा, राजा तो तेरे पिता है पर मैं तेरी माता नहीं। तूने किसी अन्य स्त्री की कोख से जन्म लिया है, इसलिए तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। जैसे ध्रुव ने कड़वी बातें सुनी तो शायद ध्रुव को उन बातों का मतलब तो नहीं पता था, लेकिन छोटा सा बालक इतनी कड़वी बातें सुनता है तो ध्रुव ने भी रोना शुरू कर दिया। यहाँ सुरुचि कहती है, वेदव्यास जी लिखते हैं, नावत्सनृपतेर दृश्यं भवानारूढमर्हति नागृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजा। नावत्सनृपतेर दृश्यं, तुम राजा की गोद में बैठने की धृष्टता मत करो, ढिठाई मत करो, क्योंकि राजा तुम्हारे पिता पर मैं तुम्हारी माता नहीं। यदि पिता की गोद में बैठना है तो मर के मेरे कोख से जन्म लो, फिर तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी हो। रोते हुए ध्रुव अपनी माँ के पास पहुंचे, सुनीति के पास। सुनीति ने ध्रुव को रोते हुए देखा, कई कई बातें पूछी कि मेरे बेटे को किसने मारा, किसने डांटा, कहाँ चोट लग गई, क्यों रो रहे हो। ध्रुव ने सारी बात बताई कि सौतेली माँ ने ऐसा कहा है। अब सुनीति यदि चाहती
तो सुरुचि से लड़ सकती थी, कह देती कि यदि तुम राजा की पत्नी हो तो पहली पत्नी मैं हूँ, यदि तुम्हारा पुत्र राजा का बेटा तो मेरा पुत्र भी राजा का बेटा है। पर सुनीति ने लड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि सुनीति का नाम ही सुनीति है, सुंदर ज्ञान है जिसके पास। यहाँ सुनीति ने अपनी अनंतता, अपनी परिपक्वता, अपने विशाल हृदय का परिचय दिया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ध्रुव को समझाया। दीर्घम स्वसति ब्रजिनस्य पारो मपस्यति बालक माहवाला मामंगलं तात परेषु मंसथा भुंते जनो यत पर दुख दंस्ततो। अपनी सौतेली माँ की बात सुन करके रोते हुए ध्रुव जब अपनी माँ के पास आए तो ध्रुव की बातें सुन के सुनीति लंबी लंबी सांस ले रही है। ब्रजिनस से पार, सुनीति के दुख का कोई पार नहीं है, लेकिन अपने आप को समझाया, संभाला और अपने पुत्र से कहा, मां मंगलम तात, बेटे माँ का अमंगल मत सोचो। ध्रुव अपनी सौतेली माँ को भला बुरा कह रहे थे। सुनीति ने कहा, बेटे माँ का अमंगल मत सोचो, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये प्रकृति का नियम है, जो औरों को चक्कर देता है वो खुद भी चक्कर खाता है, और जो औरों को शक्कर देता है वो खुद भी शक्कर खाता है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है। आपने तो सोचा ही है गड्ढे खोदने का, भगवान पहले से खोद के रख देते, मतलब जो दूसरों को दुख देना चाहता है भगवान उसके जीवन में दुख ही दुख भर देते हैं, और जो दूसरों को शक्कर देता है, शक्कर मतलब जो दूसरों को सुख देना चाहता है, भगवान उसके जीवन में सुखों की वर्षा कर देते हैं। तो सुनीति ने समझाया है, मां मंगलं तात, बेटे माँ का मंगल मत सोचो, माँ का बुरा मत सोचो, माँ ने जो कहा ठीक कहा है, अच्छा कहा है, और तुमने तो माँ की पूरी बात सुनी नहीं। माँ ने कहा तपस्या करो, अब तुम रोते हुए यहाँ आ गए, पूरी बात सुनते तो माँ बताती कि तपस्या करने से पिता तो साधारण है, व्यक्ति जगत पिता की गोद में बैठ जाता है, और यदि तुमको गोद में बैठना है तो पिता तो हाड़ मांस का पुतला है, पिता आज है कल मर जाएगा, यदि गोद में बैठना है तो उस परम पिता की गोद को प्राप्त करो, जिनका आदि नहीं, जिनका अंत नहीं, जो अनंत अनंत है, उन अनंत अनंत, उन कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु करुणा वरुणालय की गोद को प्राप्त करो। और सुनीति ने अपने छोटे से बालक ध्रुव को समझाया है, तमेव वत्साश्रय वृत्तवत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुष। उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करो जो दासानुदासों पर भी परम अनुग्रह करते हैं, जो भक्त के भक्त के भक्त का भी कल्याण करते हैं, उनको प्राप्त करो। ध्रुव ने जैसे ही माँ की बात सुनी, ध्रुव ने घर का त्याग कर दिया और ध्रुव चले आए जंगल में। अब ध्रुव की उम्र है 5 वर्ष, जंगल में मिले नारद जी, तो नारद जी पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे माता पिता जंगल में है? ध्रुव ने कहा नहीं। नारद जी ने कहा क्यों नहीं? ध्रुव ने कहा मैं तपस्या करने आया हूँ। नारद जी मुस्कुराए और कहते अरे पागल, अभी तेरी उम्र तपस्या करने की है, तो कहा अभी तेरी उम्र खेलने कूदने खाने पीने लड़ने झगड़ने रोने गाने की है, लौट जा, अभी तेरी उम्र माँ के साथ पिता के साथ रहने की, तपस्या की नहीं। पर ध्रुव तो ध्रुव है, ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव का अर्थ है जिसके सिद्धांत अटल हो, जिसके इरादे पक्के हो, जिसके दृढ़ निश्चय बन गए हो, जो दृढ़ निश्चयी हो वो
ध्रुव है। ध्रुव कहते हैं नहीं बाबा, मैं तो तपस्या करूंगा। नारद जी ने कहा तपस्या क्यों करोगे, कहा भगवान की गोद में बैठना है। नारद जी ने कहा उनकी गोद नहीं मिली तो ध्रुव कहते हैं कार्यम साधयामि वा देहं पातयामि, या तो कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। कार्य सिद्ध मतलब या तो उनकी गोद में बैठूंगा, और यदि उनकी गोद नहीं मिली तो देहं पातयामि, मैं मर जाऊंगा। जब जब नारद जी ने सुना तो देखो सद शिष्यों को सदगुरु अपने आप मिल जाते हैं। जैसे शिष्य गुरु की तलाश में भटकते हैं कि कोई अच्छा गुरु मिल जाए, कोई अच्छा गुरु मिल जाए, जैसे शिष्य गुरु की तलाश में भटकते हैं, वैसे ही जो गुरु है वो सद शिष्य की तलाश में भटकते हैं। आज नारद जी को सद शिष्य ध्रुव की प्राप्ति हुई है। ध्रुव ने कहा बाबा मुझे बताओ तपस्या कहाँ कैसे करते हैं। नारद जी ने कहा तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुभम पुण्यम मधुवनम यत्रो सानिध्यम नित्यदा हरे। जाओ यमुना के किनारे मधुवन नाम का वन जहाँ हरि नित्य निवास करते हैं, वहां पर तपस्या करने से भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है। अब ध्रुव कहते हैं बाबा ये बताओ किस मंत्र का जाप करूं। नारद जी ने कहा जब जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयता मे नृपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपठन तुमान पश्यति खे। आज जो मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूँ ये अत्यंत गोपनीय मंत्र है, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। यदि इस मंत्र का जाप किया जाए सात रात्रि तो आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध पुरुषों का दर्शन होने लगता है, और यदि इस मंत्र की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो भगवान का साक्षात्कार भी हो जाता है। ध्रुव ने कहा तो जल्दी बताओ मंत्र क्या है। नारद जी ने बताया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज ने मधुवन नाम के जंगल में पहुंच के वृक्ष के नीचे बैठ के 6 महीने तक लगातार द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया। भगवान का भी सिंहासन हिलने लगा। भगवान ने कहा जरा पता लगाओ कौन तपस्या कर रहा है। इतने में आ गए नारद जी। भगवान ने कहा आप तो पृथ्वी पर आते जाते रहते हो, जरा पता तो लगाओ कौन तपस्या कर रहा है। नारद जी कहते नारायण नारायण होते हुए इतना भी नहीं जानते कि 5 वर्ष का बच्चा तपस्या कर रहा है, और तपस्या तो कर रहा है साथ साथ जिद्दी भी है। कहता है या तो भगवान की गोद में बैठूंगा और यदि भगवान नहीं मिले तो मर जाऊंगा। भगवान ने कहा अच्छा। नारद जी ने कहा और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए हे प्रभु जाओ और उसको दर्शन दे आओ। यदि वो मर गया आपका नाम कलंकित तो हो जाएगा कि भगवान का नाम लेने वाले मर जाते हैं। देवताओं ने भी हाथ जोड़े कि प्रभु जाओ दर्शन दे आओ। भगवान ने कहा ठीक है पर मैं उसको दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो। भगवान कहते मैं तो स्वयं उस तपस्या की प्रतिमूर्ति दिव्य बालक के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और मधुबन नाम के जंगल में भगवान प्रकट हो गए। देखा तो ध्रुव नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवाज लगाई ध्रुव उठो ध्रुव उठो ध्रुव उठो, पर ध्रुव को कहां संसार की बातें सुनाई दे रही। भगवान ने फिर क्या किया ध्रुव के हृदय में विराजमान अपने प्रतिबिंब को छीन लिया। सबके हृदय में भगवान पुरुष रूप में बैठे हैं। स्त्री हो पुरुष हो बालक हो बालिका हो वृद्ध हो वृद्धा हो कोई भी सबके हृदय में भगवान पुरुष रूप में विराजित है। और आज जब ध्रुव ने देखा सामने भगवान खड़े
हाथ जोड़ लिए। ध्रुव कुछ कहना चाह रहा है, पांच वर्ष की उम्र है, क्या कहे, सोच रहा है क्या कहूं।